अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, और देती हूँ दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ और बात करूँगी। बहुत दुख होता है, अपने मुल्क में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं, ऑफकोर्स हम कुछ कर नहीं सकते, तो कम से कम अपने घर में बैठकर एक आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, अपनी बात को शेयर तो कर सकते हैं। ऑफकोर्स गुफ्तगू होती है घर में, किसके साथ ज़्यादती हुई किसके, क्योंकि हम लोगों के अंदर अभी भी इंसानियत है। अगर हमारी ये इंसानियत एहसास मर जाए तो फिर तो हम में और यजीद में और कुफार में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि इंसानियत मर गई है, एहसास मर गया है। और जिन लोगों में ये नहीं होती वो समझ लें ईमान की कमजोरी है, क्योंकि हमारा जो है दीन हमें ये सब कुछ नहीं सिखाता। निहत्ते पे आप हमला करें और उनको डराएं या अपना एक ऐसा इमेज कायम करें जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएगा, कोई भी इकदाम करे सोच समझ के करे। अब आपके जहन में कुछ मफाद होता है, कुछ बदला होता है, कुछ हारबाजी होती है, कुछ बुखल होता है, कुछ हसद होता है, कुछ एक दूसरे को डिग्रेड करना होता है, लेकिन वहाँ पर सारी चीज़ें एक तरफ और आप जिस दीन से बिलोंग करते हैं, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, ये सब आप एक तरफ रख देते हैं। ये यहाँ पर कोई भी हो, अब जैसे एक एक राइट होता है हर इंसान का, मैं एक बात क्लियर करूं, चाहे वो किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, उसका राइट है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे और अपनी राय का इजहार करे और एहतजाज भी करे। ऑफ कोर्स उसका एक राइट है, लेकिन उसका ऑफ कोर्स अगर वो कोई फायर नहीं कर रहा या किसी को नुकसान नहीं दे रहा तो उसका बिल्कुल राइट है। तो फिर हमने ये राइट क्यों ख़त्म कर दिया, ये हक क्यों हमने छीन लिया, और उसके ऊपर फिर हम इसको पॉइंटेड करें। मुझे बड़ा दुख हुआ, यकीन करें कुछ लोगों से उम्मीद नहीं होती, बड़ा दुख होता है कि जब आप एक बंदे को उसका एहतजाजी हक भी ना दें और बाद में कहें ओ आपसे तो हो ही नहीं पाया। जब आप इतनी रुकावटें डालेंगे, मैं बिल्कुल न्यूट्रल और बिल्कुल मतलब किसी भी लसानियत से हट के बात कर रही हूँ, किसी भी मज़हब या किसी पार्टी को सपोर्ट करके बात नहीं कर रही, मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में चाहे वो इस्लामाबाद में हो या कराची में हो, किसी के ऊपर भी जुल्म होगा देन हमें फील होगा ये गलत है। आप किसी पर शेलिंग कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर, कौन है ये लोग, आवाम है, आप इनके ऊपर ज्यादती करें। एक तो वैसे ही आप इतना महंगाई करते हैं, ऊपर से आप एक एक राइट वे पे एक एहतजाज के लिए एक प्लेस रिक्वायर्ड उनको देनी थी वो कर लेते सिंपल, अब उसके ऊपर आप बड़ा फख्र महसूस करें। देखें जी, तो 200 बंदा कौन है, ये आपकी प्यारी आवाम है जो आपको वोट देती है। गेहूं के साथ घुन को तो ना पीसे। लेट्स सी, बड़ा दुख हुआ, बहुत आंखें लंबी हुई, घर में बैठे तब हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि हर कोई अपना एक सॉरी टू से मंजन बेच रहा था और कह रहा था मैं हूँ, हम है, हमारी जेब में बम्बे वाली बात हो गई है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बाकी सब बुरे। कोई भी यकीन करें ऐसा बंदा सामने नहीं आया कि कोई ऐसा कह देता ये गलत है, ये अच्छा नहीं लगा हमें कि हमारी वहाँ पर एक मासूम एक दिन एक महीने की बच्ची लेके औरत बैठी हुई है, उसके साथ 2 साल की फिर एक बच्ची। मेरा बड़ा दुख हो रहा था कि ये क्या हो रहा है आप अपने लोगों पे, और इस्लामाबाद में तो कराची में भी शेलिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहे हैं, लोगों को डंडे बरसाए जा रहे हैं। मैं बस मुझे समझ में नहीं आया। मैं ये कहूँगी कि जब अगर किसी का कानूनी हक है एहतजाज करने का तो आप वो हक क्यों छीनते हैं, लॉ के मुताबिक तो चले कम से कम। हाँ, अगर कोई अगेंस्ट में बात है तो ऑफ कोर्स फिर हम लोग भी कहेंगे कि ये गलत कर रहा है, किसी ने भी किया, लेकिन अगर इसकी जगह कोई और भी प्रोटेस्ट करता है। यहाँ से माशाल्लाह बिलावल साहब निकले और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जाके यहाँ पे मार्च पूरे करते हुए पूरे पाकिस्तान से वो लेके चले रैली। मुझे बताएं किसी ने रुकावटें खड़ी की, किसी ने कांचें बिछाई, किसी ने शेलिंग की, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? इसके अलावा और बहुत सारे लोग जो हैं एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ? तो फिर आपने ऐसा, आपने पता है कि अपना नुकसान खुद किया,
आपसे जो लोग मोहब्बत करते थे वो भी आपके अगेंस्ट में हो गए होंगे। तो कोई भी एकदम करे, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचेंगे वो रब आपके लिए अच्छा सोचेगा। लेट्स सी आज का ये मैसेज। ऑफ कोर्स मैं कल परसों देख रही थी तो मैंने कहा मैं ज़रूर ये बात शेयर आप लोगों से करूँगी। यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं लूँगी बल्कि हमारे दरमियान एक गेस्ट हैं और गेस्ट ऑफ कोर्स जब हम लोग मैंने अभी ये कहा ना कि हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो कुछ लोग कई सालों से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में बच्चों की अम्बात जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा है, माओं की बहुत ज़्यादा है। तो क्या रीज़न है और अगर उनको केयरिंग और ख़ास तौर पर आउट ऑफ सिटी जो इंटीरियर सिंध से या ऐसी जगहों से जहाँ पर ये फैसिलिटेशन प्रोवाइड नहीं है तो बड़ा मसला होता है। लेकिन इनके बारे में ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो सोचते हैं कि बच्चे मासूम जो न्यू बॉर्न बेबी या ख़वातीन को इंटरनल प्रॉब्लम होती है वो बेचारियाँ परवाह ही नहीं करती हैं। बच्चों के ख्याल, शौहर का ख्याल, ससुराल का ख्याल, इसी चक्कर में बेचारियाँ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारती रहती हैं और कभी कभी उनके आगे पीछे बच्चे होते हैं उनकी वजह से भी उनको तकलीफ़ होती है लेकिन वो इजहार नहीं करती। लेकिन हमें चाहिए उनको अवेयर करना और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फलाही कामों को लेके चल रहे हैं। तो मैं मिलवाती हूँ रज़ा मोहम्मद साहब से, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर हैं ZMT से, वेलफेयर एसोसिएशन है इनकी बड़ी ज़बरदस्त जो कई सालों से ख़वातीन और बच्चों को हेल्थ के ऊपर वर्किंग कर रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह ख़वातीन और बच्चों की हेल्थ पे काम करें, ज़रा थोड़ा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया कि हम अपना मैसेज आम पब्लिक तक पहुंचा सकें। ZMT है ज़ुबैदा मछेरा ट्रस्ट, बेसिकली एक माँ को ट्रिब्यूट है। ज़ुबैदा मछेरा ट्रस्ट, ज़बरदस्त। हमारे चेयरमैन हैं अमान कासिम मछेरा साहब, उनकी वालदा को आज से कोई 40 साल पहले कैंसर हुआ था। तो वो हम मुझे याद है जब मैं इंटरव्यू में बैठा था चेयरमैन साहब के साथ, उन्होंने मुझे बताया था, वो शेयर की थी कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था इसको इदारे को स्टार्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने कहा कि बेटा ये मत सोचो कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये सोचो कि हम क्या कर सकते हैं और इससे बड़ा फ़ायदा होगा और आपने लोगों के लिए कुछ करना है। बेहतरीन। तो जाहिर बात है उनकी उनसियत अपनी माँ से बहुत ज़्यादा थी, प्यार था बहुत ज़्यादा। तो जब वो फौत हो गई तो डॉक्टर अमान साहब जो हैं हमारे चेयरमैन, वो भी मेडिकल ग्रेजुएट हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने पहले सोचा कि मैं कैंसर हॉस्पिटल खोलूंगा। अच्छा। हाँ, पहले इनका ये था कि मेरी वालदा कैंसर से गई हैं तो फिर मैं कैंसर भी जाऊंगा। बट बाद में उन्होंने देखा जब उन्होंने वर्कआउट किया, डॉक्टर बारी इंडस वाले, वो भी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे और इंडस की जो जमीन एक्वायर हुई उसमें भी अमान कासिम साहब का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो उनसे भी मशवरा किया कि देखा कि हेल्थ सेटअप जो हमारा सेटअप है उसमें किस चीज़ की कमी है, उस पर उन्होंने काम किया। तो इस नतीजे पे पहुंचे कि टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर तो बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे हमारा इंडस काम कर रहा है, बहुत सारे और इदारे काम कर रहे हैं। तो प्राइमरी हेल्थ केयर एक ऐसा सेगमेंट था जिसको हमेशा से जो है ना वो नज़रअंदाज किया गया था, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर को अगर हम अच्छे तरीके से एड्रेस नहीं करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर बेसिकली है क्या। ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, इब्तदाई और इनिशियली जो है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन है जी। ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है डॉक्टर और पेशेंट का। ओके। और ज्यादातर अमराज का जो है डायग्नोसिस तशखीस उसी टाइम हो जाती है, उसके बाद डॉक्टर उसको अगर उसी टाइम उसको एड्रेस कर देते हैं, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकता है। मैं मिसाल के तौर पे दूंगा कि अगर बंदे को बुखार रहता है, अगर वो पेरानोल खा के उसको सप्लाइज करता रहेगा तो आगे चल के 15 दिन के बाद उसको पता चलेगा कि मुझे टाइफाइड हो गया है। अगर उसको बेहतर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया तो परफोरेशन में चला जाएगा, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन में जाना पड़ेगा। तो प्राइमरी हेल्थ केयर को एड्रेस करना बहुत जरूरी है और हमारे करंट सेटअप में इसकी कोई भी प्लानिंग भी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल लिए, सेकेंडरी 100-bed हॉस्पिटल खोल रहे हैं, 200-bed हॉस्पिटल खोल रहे हैं, बट प्राइमरी सेक्टर को हमने एड्रेस किया ही नहीं है जो उसकी जिस तरीके से उसका हक है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको डॉक्टर अमान साहब ने देखा कि इसकी एक बहुत बड़ी जो है ना वो गैप है, उसको मैं फिलफिल करना। उन्होंने कराची से स्टार्ट किया था 3 क्लिनिक से आज से 20 साल पहले जी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 46 हमारे सेंटर्स हैं। हमने रिसेंटली एक भैंस कॉलोनी में कैटल में हमें 2 के नाम से जो है ना हमने एक सेंटर इनॉग्रेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त जो सालाना तकरीबन 15 लाख मरीज हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के हमें माशाल्लाह बड़ी बात और डेली बेसिस भी अगर आप देखें कराची के मुख्तलिफ अज़ला में 5,000 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चों को हम जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो गैप था
जिसको फुलफिल करना बहुत जरूरी था। अब आ जाते हैं वेलफेयर पार्ट, वेलफेयर पार्ट में क्यों जरूरी है। देखिए एक जो बेचारा हजारों पे कमाता है, 500 रुपए कमाता है, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को आप देखें, उसकी बेसिक नीड है खातून खास तौर पे, अगर उसको मियां आके 1000 रुपए हाथ पे रखता है कि ये तुमने घर चलाना है मिसाल के तौर पे, तो वो बेचारी सोचती है कि 1000 रुपए से अब मैं घर की ग्रोसरीज लूंगी या जो है ना कुछ जो है ना घर के अपनी ट्रीटमेंट कराऊंगी। मिसाल मैंने अभी मिसाल दी कि उसको बुखार रहता है, तो वो क्या करती है बेचारी पेनाडोल खाती रहती है, 15 दिन के बाद वो बेड रिडन हो जाती है, उसको पता चलता है उसको टाइफाइड हो गया, उसको खांसी है, वो खांसी की शरबत पी के अपना जो है ना वो, क्योंकि उसको सामने से दिख रहा है, उनको सामने से दिख रहा है कि अगर मैं ये पैसे दवाई पे खर्च करूंगी तो मेरे घर के जो बाकी अखराज आते हैं, मेरे बच्चों को खाना कहाँ से मिलेगा, मेरे बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा, तो इस तरीके से जो है ना वो अपने आप को इस बेसिक नीड से महरूम रखती है। अब उसका क्या है कि अगर एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी, जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी खातून जाती है, तो वो सिंपल सी ट्रीटमेंट के लिए भी उसको जो है ना वो तकरीबन 1500 से 2000 रुपए खर्चा लगी जाना होता है। तो इस हिसाब से अगर वो उसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है मैं बता रहा हूँ, अगर प्राइमरी हेल्थ केयर को आप एड्रेस नहीं करोगे तो वो शिफ्ट होगा आपका सेकेंडरी और टर्शरी केयर में, तो वो बर्डन बहुत ज्यादा बर्डन होता है। फॉर सपोज अगर वो सारे के सारे पेशेंट्स सारे के सारे पेशेंट्स आपके प्राइमरी हेल्थ केयर से सही ट्रीट नहीं हुए और वो आगे चल के टर्शरी केयर भी आए, तो आपका सिस्टम कोलैप्स हो सकता है, आपके सेकेंडरी और टर्शरी केयर पे बहुत इतना ज्यादा बर्डन आ सकता है कि उसको आप बेयर नहीं कर सकते। तो ये हमारा जुबेदा मशवरा ट्रस्ट ZMT का ये कॉन्सेप्ट था कि इस बर्डन को हमने अपने ऊपर लेके एक तो उस मुआशरे में जो बेसिक नीड है प्राइमरी हेल्थ केयर को उसको एड्रेस करना है, और जरूरतमंद हमारे 46 जो क्लिनिक्स हैं वो रिमोट एरियाज में है, थिकली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, जहां बिल्कुल गरीब या जो है ना अंडर द पॉवर्टी लाइन रहते हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। ओके ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट इसकी कुछ खास आपकी फीस या कोई ऐसी खास होती है कि नहीं? जस्ट हम रजिस्ट्रेशन टोकन फीस लेते हैं 50-30 रुपए। अच्छा, ये तो बहुत रीजनेबल है। तो वो भी अगर किसी मेडिसिन भी साथ में पर डे दवाई, मैं बिल्कुल आगे शेयर करूंगा, वो हम जब पेशेंट हमारे पास आता है रजिस्टर होने के लिए तो उससे हम इनिशियली 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस के लेते हैं, जिसके पास नहीं होते वो भी नहीं देते। ठीक, अच्छा कौन कौन से एरियाज में? ये हमारे ओवरऑल कराची के आपके लांडी जोन में है, न्यू कराची के जोन में चले जाएं आप, सेंट्रल जोन में चले जाएं आप, ठीक है, आप बल्दिया की साइड चले जाएं, वो भी हमारे 46 डिफरेंट जो है ना वो जो नेक्सस है कराची का, उसमें हम क्लिनिक्स को जो है ना रन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो ये एक क्योंकि वो जो पेशेंट आ रहा है तो 50 रुपए हमसे जो है ना वो कहते हैं, अगर दे सकता है तो ठीक है, अदरवाइज हम छोड़ दें। उसमें हम फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेशन डॉक्टर की हमारे पास वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, लेडी डॉक्टर्स होती है, ठीक है, पर्दे का भी हमारे पास कोई इशू नहीं होता, हमारा स्टाफ भी फीमेल होता है, हमारी डॉक्टर्स भी फीमेल होती है, ठीक। तो ये जो कम्युनिकेशन और जो है क्योंकि ऐसे एरियाज में ये पर्दे का कॉन्सेप्ट बहुत है, क्योंकि हम जिस एरियाज में हम काम कर रहे हैं तो खवातीन हेजिटेंट नहीं होती। मैक्सिमम कितनी ब्रांचेस, मतलब कितने आपने क्लिनिक्स खोले हैं? 46 हमारे हैं। हॉस्पिटल है या क्लिनिक? क्लिनिक्स है हमारे। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर क्लिनिक्स है 46। कौन कौन से एरियाज को टच करते हो? लांडी में हमारे 6 क्लिनिक्स है, ठीक है, हमारे सेंट्रल जो हमारा है उसमें 6 है, ठीक है, इस तरीके से बल्दिया की साइड हमारे 3-4 क्लिनिक्स हैं, गुड है, ठीक है, आपका लियारी की साइड हमारे 2 क्लिनिक्स हैं, गुड। तो ओवरऑल ऐसे सारे के सारे जो कराची के जिले, और आगे भी अभी सोचा कि और भी मजीद बढ़ने, इनिशियली हम इसको 100 पे कराची पे ले जाएंगे, उसके बाद हम इंटीरियर और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी जो है सूबों में जाएंगे स्टार्ट करेंगे। अच्छी बात है, मैं एक आपकी रजा साहब तारीफ ये करूंगी कि माशाल्लाह आपने अगर इब्तदाई प्रॉब्लम्स में खवातीन के लिए ये इनिशिएटिव आपने कदम उठाया है कि जो लोग प्रॉब्लम्स हैं खवातीन या बच्चा जो तकलीफ में आते हैं या बीमार होते हैं और उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक आते हैं और आपने ये फैसिलिटी, आपको पता है इतनी फीसेज होती हैं क्लिनिक्स वगैरह की खास तौर पे जो अफोर्डेबल नहीं होते, जिन लोगों की सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो डेली बेस पे खवातीन भी जो कहती हैं कि यार मैं इतना महंगा इलाज नहीं करवा पाती, तो कम से कम आपकी क्लिनिक के थ्रू उनको थोड़ा सहूलत तो मुहैया होगी। बहुत बड़ा इम्पेक्ट है, तो मैंने अर्ज किया ना कि जो खातून 1000 रुपए हाथ में रखती है सोचती है कि अब मैं घर को फीड करूंगी अपनी ट्रीटमेंट कराऊं, उनसे पूछें कि इस जो 400-450 रुपए हमारे पर पेशेंट कॉस्ट है उसकी क्या अहमियत है, वो उनके लिए पहाड़ बन जाता है। हाँ। वो क्रॉस करना,
तो उससे क्या होता है, वो बारो करते हैं कहीं से, किसी दोस्त के पास चले जाते हैं, तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ऊपर आने के बजाय नीचे चला जाता है। मकरूज हो गया तो बंदा उसके बाद क्या, उसके पास जो चॉइसेस रहती है बिल्कुल, फिर क्या करेगा, उसके जो इवेंट्स आते हैं मिसाल के तौर पर ईद आ गई, रमजान है और बड़ी ईद आ गई, तो उस पर क्या करेगा, वो अपनी ख्वाहिशात को मारने की कोशिश करेगा, पहले मुझे कर्ज अदा करना है, उसके बाद जो ट्रीटमेंट में मैंने दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ZMT ना सिर्फ पेशेंट्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करे, उसके साथ फ्री मेडिसिन टू ऑल है, बड़ी बात, फ्री मेडिसिन, बड़ी बात। अच्छा, और आपके इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए मैं आपको बात शेयर करना चाहूंगा, खवातीन में आजकल मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप लोगों ने पागल कर दिया। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, सॉरी टू से मजाक कर रहे हो, आप लोगों ने हमें पागल कर दिया, अब क्या करें हम लोग, आप लोग इतना प्रेशर देते हैं कि मैं, आप लोग मतलब ये कि सारे हस्बैंड्स को मैं पॉइंटेड यूं कर रही हूँ, बस जस्ट फॉर जोक भी, लेकिन हकीकत है औरत के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा, ये आप मान लो, ये तो एक्सेप्ट कर ले कि वो जैसे आपने खुद ही कहा कि 1000 में वो ये सोच रही होती है, और उनमें हिम्मत भी ज्यादा होती है, पागल खाने में आपको मर्द ही मिलेंगे। इन्होंने पूरा बदला लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, देख ले फिर आप लोग नाज़रीन ये ना कहिएगा सभी ने गेस्ट के साथ ऐसे, गेस्ट ने नहीं मुझे छोड़ा। जी बिल्कुल, पागल खाना जेम तो से उसका बहुत हम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं। अच्छा, हाँ, बेसिक आप यूं कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड करें। हम वहाँ स्क्रीनिंग सेशंस करते हैं, हमारी टीम जमा होती है, उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद साइकेट्रिस्ट को हम रेफर करते हैं, ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें हमारी लड़कियां बच्चियां अवेलेबल होती हैं, जिसमें समझती हैं कि इनमें साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं एंजाइटी डिप्रेशन के, तो उनको हम क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर के बाद उसको हम स्क्रीन आउट करते हैं, उनके बाद उनके प्रॉपर सेशन होते हैं, सेशन होने के बाद उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप जस्ट फॉर नॉर्मल, जैसे आपका इनिशियली अगर किसी को ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर उसका ऑपरेट की यू आर रिस्पॉन्सिबल या लेते हैं या आप रेकमेंड करते हैं किस तरीके से, अल्लाह नगर किसी को इंटरनल हर्निया हो या उसके इन्फेक्शन गुर्दों में या कुछ जरा पता चले कि इस औरत के अंदर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, फिर क्या करते हैं आप? बिल्कुल ऐसा ही है कि पहले तो हम उसको प्राइमरी हेल्थ केयर में रेट करते हैं, जैसे हमारा अगर वो मेडिसिन से ठीक हो गई, अगर हम समझते हैं कि इस पेशेंट को रेफर करना पड़ेगा तो उसमें भी हम फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, डिफरेंट हॉस्पिटल के साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, हम जो नीडी पेशेंट है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उस हमारा बोर्ड है उसका डिसीजन लेता है कि ये पेशेंट वाकई है, तो उसको हम रेफर भी करते हैं और उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करवाते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी होते होंगे आपके पास? गायनेकोलॉजिस्ट हमारी विजिटिंग आती है, उस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, उस पे हम कंसल्टेंट क्लिनिक समझ, वैसे ज्यादा इन्हीं की जरूरत है क्योंकि बच्चों को और माँ की सेफ एंड सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर। अच्छा जी, हेलो, कॉलर है हमारे दरमियान? अच्छा जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, अच्छा चले ठीक है, कॉल हम आपसे बात करते हैं। जाते जाते सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि ऐसे जो काम कर रहे हैं मुखैर हजरात को चाहिए कि आगे बढ़ चढ़ के इस जो है ना कारवां के साथ मिले और प्राइमरी हेल्थ केयर को समझें और उसकी नीड को समझ के हमारे आके हेल्प करें, और खासतौर पे जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको हम कहेंगे कि एज अ वॉलंटियर हमारे साथ आके काम करें, इस मैसेज को डोर टू डोर आप पहुंचाएं, और ये बहुत बड़ा काम है जिससे हजारों जिंदगियों की पर बहुत बड़ा इम्पेक्ट भी पड़ा है और उसको हेल्प आउट भी हमने किया है, तो आप सब लोग कर सकते हो, जैसे हमारे चेयरमैन साहब हैं उनके साथ बहुत सारे वो दोस्त हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं, तो हम सब कर सकते हैं, फाइनेंशियली भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं और मोरली भी कर सकते हैं, ये तीन होते हैं जिससे हम किसी भी कॉज को सपोर्ट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी ZMT की, उस पर आप देख सकते हैं कि हमारे इवेंट्स कौन कौन से हैं, हम कौन कौन से प्रोग्राम रन कर रहे हैं, उसमें हम एक हेपेटाइटिस सी का प्रोग्राम रन कर रहे हैं किसी के साथ कोलैबोरेशन में, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, हम स्क्रीनिंग भी करवाते हैं, वेल बेबी क्लिनिक बच्चों की न्यूट्रिशन पे हम काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साइमल्टेनियसली साथ लेके चल रहे हैं। तो आप सब लोगों से और जो देखने वाले हैं और जो मुखैर हजरात हैं उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे पास आए, हमारे साथ मिले, और इस प्राइमरी हेल्थ केयर के जो कारवां हमने स्टार्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह 20 साल तो हो गए, अल्लाह ताला ने मदद की, हमसे काम ले लिया है, तो इसको हम आगे जितना हो सके बढ़ा के लोगों की खिदमत करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका आने का, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।